जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत साढ़े प्रोग्राम दे विच। अज दा मुद्दा, मैं तुहाडी होस्ट आशमिता। अगर आपां सब तो वड्डे मुद्दे की इस वेले गल करिए ते किसानां दे मुद्दे तो वड्डा कोई होर टॉपिक, कोई होर प्रायोरिटी साढ़े लई नहीं होनी चाहीदी। मैं प्रोग्राम की शुरुआत इस छोटी जी स्टेटमेंट दे नाल करना चाहती हाँ। पूरे हफ्ते तुहानूं वख-वख कवरेजेस आपां अपडेट्स दित्तियां इस मुद्दे नूं लै के, किस तरह ये मूवमेंट, ये अंदोलन ते उन नेगोशिएशन्स डिवेलप हो रही हैं दिल्ली दे विच, जिहदे नाल कोई हल शायद इस आपां कह सकते हैं संघर्ष दा हो सकदा है। बट कुछ पिछले एक दो दिनों दे विच तुसीं ये कंगना रनौत ते हुण दिलजीत दोसांझ दी स्टेटमेंट्स वेखियां होणियां। मैं इस चीज़ नूं सिर्फ एक मिनट लैके एड्रेस करना चाहती हाँ। मैं तुहानूं कोई ट्वीट्स नहीं दिखावांगी, कोई पढ़ के नहीं सुनावांगी। मैं तुहानूं सिर्फ यही दसना है कि कंगना रनौत ने एक इहो जी स्टेटमेंट कीती उन प्रोटेस्टर्स नूं, उन बीबियां नूं, खास करके एक बीबी नूं जो बिल्कुल गलत सीगी, तुसी कह लो बिल्कुल अटेंशन खिच्चन वाली चीज़ सीगी। एंड उस चीज़ का जवाब दिलजीत दोसांझ ने दिता ट्विटर ते ठेठ पंजाबी च, जो उस चीज़ की आपां कह सकते हैं अप्रीशिएट भी करते हैं दैट उन्हें इस तरह का जवाब दिता। बिकॉज जदों कोई इनजस्टिस हुंदी है, अगर तुसी नहीं उहदे खिलाफ बोलदे ते उहदा मतलब तुसी उस इनजस्टिस नूं सपोर्ट कर रहे हो। बट उस तो इलावा मैं होर कुछ नहीं कहना चाहती इस टॉपिक नूं लैके, बिकॉज सानूं ये याद रखना चाहिए। आपां एकता की गल कर रहे हैं, आपां ये कह रहे हैं कि सारे बाकी तुहाडे जो कौम दे मसले हन, धार्मिक मसले हन, परसनल गुरद्वारा पॉलिटिक्स, कोई भी तुसी कह लो पार्टी पॉलिटिक्स, वो चीज़ हैगे मसले बट वो वखरे हन। अज जदों आपां किसानियत की गल कर रहे हैं तो सिर्फ यही मुद्दा होना चाहिए है। एंड मैं ये भी कहांगी कि जदों सेलेब्रिटीज़ खास करके जिस तरह कंगना रनौत ने इस ट्विटर दे नाल किता, जदों वो किसी इस बहुत ही तुसी कह लो इस तरह दे गर्म टॉपिक नूं लै के कुछ भी स्टेटमेंट दिंदे हैं, सानूं ये चीज़ रैकगनाइज करनी चाहिए है, समझनी चाहिए है दैट उन्हां दे लई ये एक होर ऑपरचुनिटी है कि किस तरह वो अटेंशन खिंचन अपनी तरफ। राइट, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, आपां कह सकते हैं कि प्रीटी सिंपली कोई ये पोलिटिकल स्टेटमेंट नहीं सी, ये स्टेटमेंट उहदे वल्लों कीती गई ताकि इस गर्म टॉपिक दे विच उहदा नाम ट्विटर ते ट्रेंड होए, एंड ओ होया। बट उस तो जो दूजी गल है कि दैट इस चीज़ की पावर साढ़े कोल है, किस चीज़ नूं आपां अगे फॉरवर्ड करदे हाँ, किस चीज़ नूं आपां अगे फैलांदे हाँ, उहदे बारे गल करदे हाँ एक दूजे दे नाल, अपने वट्सएप ग्रुप्स ते अपने फोन ते। तुसीं इस चीज़ दी पावर रखदे हो कि अगर आपां अज किसान अंदोलन दी गल कर रहे हैं, उहनां दे संघर्ष दी गल कर रहे हैं, ते उहनां दी ही गल होनी चाहीदी है, ना कि किसी होर दी। इहदे नाल ही मैं कहांगी कि दूजे पासे जो सेलेब्रिटीज़ हन एंड बहुत ज़्यादा गायकी ते कलाकार जो उन्हां दे वल्लों सपोर्ट हुई है इस मूवमेंट की, वो सानूं एक पॉजिटिव तरीके नाल दसदी है कि इहनूं किस तरह आपां अगे वधा सकदे हां, कि ना कि तुसीं अपने लई अटेंशन खिचो बट जो मूवमेंट हो रही है उन्हों सपोर्ट करो, अपने जो सेलेब्रिटी तुहाडा स्टेटस है उन्हों चंगी तरह यूज़ करो अपना हिस्सा पाउण दे लई। इहदे विच वख-वख अपडेट्स तुहाडे नाल अज सांझी करांगे, जिस तरह तुसीं साडे बाकी प्रोग्रामिंग दे विच देखिया, दिल्ली दे विच कुछ घंटियां दे विच वो मीटिंग होण जा रही है। इस मीटिंग दे विच वंस अगैन मुद्दा ना कंगना हैगी, मुद्दा ना कोई एक किसान यूनियन दा लीडर, ना कोई एक स्टेट, ना कोई एक इंडिविजुअल या एक पॉलिटिकल पार्टी। मुद्दा ये तीन बिल हन एंड इन तीन बिलों नू रिपील करना चाहिए है गवर्नमेंट सरकार नू, अगर वो किसी भी तरह इस चीज़ नू रिजॉल्व करना चाहते हैं।
काफ़ी क्लीयरली तुसी ये भी सुन लिया किसान दे यूनियन लीडर्स तो कि अगर इस चीज़ नू इस नैक्सट मीटिंग दे विच कोई तुसी कह लो निगोशिएशन या टर्म्स नू वन बाय वन पढ़ के निगोशिएट करन दी गल आंदी है वो उस चीज़ दे नाल बिल्कुल सहमति नहीं रखते उन्होंने सिर्फ त सिर्फ ये तीन बिलों का प्रॉपर रपील चाहिए इन्होंने वापस कैंसल करना चाहिए है तो जो एम एस पी की गारंटी है वो मंग रहे हैं। मैं तुहाडे तो अज सुनना चाहती हूँ कि किस तरह तुसी इस चीज़ दे विच इस डिवेलपिंग स्टोरी दे विच की तुहाडे ख्याल हन सो फार जो ये मीटिंग हो रही है इस नू लैके तुसी की उम्मीदा रखते हो तुहानू लगता है जो तुहाडा एक्सपीरियंस है खास करके इंडियन गवर्नमेंट दे नाल भारत सरकार दे नाल वो तुहानू की दसदा है कि इस चीज़ दे विच इस जो ये हुन अंदोलन ते प्रेशर पै रहा है सरकार ते वक् वक् थावां तो प्रेशर पै रहा है भारत दे विच ते भारत तो बाहर प्रेशर पै रहा है की वो चीज़ कोई मायने रखूगी एंड की ये चीज़ किसानां दे हक दे विच टर्न आउट हो सकती है रिजॉल्व हो सकती है। अगर ये चीज़ रिजॉल्व हो जाती है कुछ घंटिया दे विच ते किस तरह अगे आपां वधना है ये भी गल करांगे। साडे नाल वख वख गैसट जॉइन कर रहे साडी इंडिया टीम तो भी साडे नाल मैंबर्स जॉइन करनगे सानूं ये दसण लई कि इस वेले की अपडेट्स हन जदों वो माहौल दिल्ली दे विच डिवेलप हो रहा है वो सानूं की दस सकदे उहदे बारे भी तुहानूं दसांगे ते कुछ अनैलिसिस इत्थों जो साडे गैसट साडे नाल जॉइन करके सानूं शेयर करनगे। तुसीं भी कॉल करके अपने विचार साडे नाल सांझे कर सकदे हो बिकॉज ये प्रोग्राम है मंच इन्ना की तुहाडा जिन्ना है साडा इनफैक्ट ये तुहाडा ज़्यादा है बिकॉज ये कम्यूनिटी का चैनल है। जस पंजाबी हमेशा कम्यूनिटी की हक की गल करता है तो अज किसानां दी हक की गल हो रही है कोई होर मुद्दा नहीं है ना साडे ना तुहाडे लई ते इस तरह गल जारी रहेगी। ब्रेक तो उस पार ब्रेक तो बाद साडा स्वागत तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा ते साडा तां मुद्दा यही है कि इन तिना बिलां नूं तुसीं रिवोक करो रिवर्स करो ते जिथे सरकार बार बार बह के इन्हां ते गल कर रही है टेबल टॉप डिस्कशनस हो रही है सानूं एटलीस्ट ये तो आस है कि जो किसान यूनियन लीडर्स वो इस चीज़ से डट के खड़े हुए है कि सानू कोई निगोशिएशन सानू पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन नहीं करनी तुहाडे नाल साडे मंगा सिंपल हैगियां इन्हां नू वापस लियो। कुछ कॉलर साडे नाल जुड़ चुके हैं सुन लैंदे उन्हां दे विचार। सति श्री अकाल तुसीं ऑन एयर हो। हेलो हाँ जी सति श्री अकाल तुसीं ऑन एयर हो। हाँ जी मैं रघुवीर सिंह बोल रहा हूं यूएसए तो। जी दसो कल दी मीटिंग बारे गल करनी सी। जी जी दसो इस तरह है कि जिहड़ी कल दी मीटिंग है किसान जथेबंदियां अपने पूरे जिहड़े नुमाइंदे आ ओह जांदे आ उत्थे जी ते गवर्नमेंट वल्लों उत्थे कौण आउंदा है उहने चमचे आउंदे आ जिन्हां दे हत्थ विच कुछ नहीं है ना ओह डिसाइड करदे आ ना कुछ कह सकदे आ। ते फायदा इह है कि अगर सिद्धी गल मोदी ना करो ते तां तां कोई फायदा है नहीं तां कल दी मीटिंग दा वी इह दे ही कहना उहने 7 घंटे तों बाद कहना अच्छा जी ठीक है तुहानूं दस्सांगे बाद। जी 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 वेरी वेरी वैलिड पॉइंट जी 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 थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੂਟ ਆ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀ ਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਇਸ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਲੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ
हरियाणा सरकार ने की हाल किया, उन्हां दा पानी दियां पछाड़ां मारियां, बदसलूकी की, वो जो भी है। मैनू एक कवित्री है अमरजीत कौर अमर, जिस तरह मैनू उहदी गजल दे शेर लगदे जिस तरह बिल्कुल इहदे ते टुकदे ने इस हालात ते। उन्हें लिखिया, उन्होंने बीज नेरे दे बड़ेरा विच खिलारे सी, सितारा पर मेरे मत्थे दा अंबर चिल मिलाया, नहीं नामो निशां बाकी हनेरा दूर होवेगा, जगा के जख्म पैरां दे है देखो काफला आया। इन्ने विश्वास नाल, इन्नी दृढ़ता नाल साढ़े काफले जिहड़े ने कानूनां नूं रद्द करवाउण वास्ते तुर पए ने। उन्हें एक होर लिखिया अगे शेर, तुर पए हां जद असीं बिखड़े जिहे राहां ते, हुण दर्द एक खामोश रह के खुद हंडाउणे पैणगे, लुट रहे हैवान बन के किस तरह मासूमियत, इस तरह के आदमी फाहे लगाने पैणगे। सो यह जज्बा है जो उत्थों दे साडे किसानां दा, यूथ दा, कल्ला मेल मैंबर दा ही नहीं, नाल फीमेल लड़कियां जिहड़ियां ने, हाँ जी, वह भी जिहड़ियां ने वह पोस्टर लैके खड़ियां ने कि दिल्लीए असीं हक मनाने जानते हैं, असी तो रोज सप्पां दीआं सरीआं मिदियां खेतां विच, इह हक मनाने जिहड़े ने उह साडे वास्ते औखी गल नहीं, असी मनावांगे। किसानां दी हुण स्थिति इह बन चुकी आ कि सरकटां ने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। इह स्थिति, इह दृढ़ विश्वास लै के साडे किसान आगू, किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने उत्थे बैठियां होईआं ने, पर फिर भी इह सरकारां बड़ियां डिप्लोमैटिक्स हुंदियां ने, बहुत धोखेबाज हुंदियां ने, हमेशा उह लोकां दे जिहड़े हैगे ने अंदोलन, उहनां नूं डीरेल करन दी कोशिश करदियां ने। मैं तुहाडा पहलां इह तों प्रोग्राम सुणिया के पी सिंह दा टू दी पॉइंट, उहदे विच किसान लीडरां ने, जथेबंदियां दे लीडर ने बड़ा क्लीयर किया कि तिन्न कानून रद्द होणगे, इह तों घट गल कोई नहीं, पर फिर भी उह विच उहनां ने अजे बड़ी डिप्लोमेसी खेडणी है, सेंटर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करन दी कोशिश करनी है। मैनूं इह शक आ कि जिस तरह असीं जे थोड़े पिछे चल जाइए 1982 वेले जिहड़ा धर्म युद्ध मोर्चा आरंभ किया सी अकालियां ने, ते उदों समझौता होया सी खीर ते आण के राजीव लौंगोवाल समझौता नूं कहा गया सीगा, ते उह समझौता लौंगोवाल दिल्ली तों लै के आ गया सीगा, उह ना समझौता मुड़ के लागू होया, ते उह लोकी उस वेले भी नौजवान बड़े रोच भरे सीगे, उन्हां चों इक नौजवान ने इसे गुस्से विच ही गोली मारती लौंगोवाल नूं, किते इहो जी स्थिति फिर ना बन जावे। उस तों बाद सुरजीत सिंह बरनाला सीगा चीफ मिनिस्टर, उन्हें चंडीगढ़ पंजाब नूं लैण करके समझौता किया, उन्हें कहा जे 26 जनवरी नूं चंडीगढ़ पंजाब नूं नहीं मिलेगा तो मैं अस्तीफा दे दांगा, वह भी उस धमकी का भी राजीव समझौता जिहड़ा होया सीगा उहदे ते कोई असर नहीं होया। सो मेरे कहण तों मतलब आ कि भावें पंजाब दे किसान बहुत दृढ़ता नाल बैठे ने, इह पंजाब दी जिहड़ी अणख है उहदे ते, इक सुरजीत पात्र ने भी शेर लिखिया, मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं चलदा हाँ तां राह बणदे ने, चिरां तों काफले आउंदे इसे सच दा गवाह बणदे ने। बड़ा विश्वास है, पर फिर भी मैनूं शक है कि किते सरकार जिहड़ी है उहदी पॉलिसी किसानां नूं डीरेल ना कर देवे। उहदे वास्ते जे इहो जी कोई गल हो गई, ते जिन्ना जज्बा साडे इत्थे अमेरिका च मैं देखदा, कैनेडा च, हर थां, उहनां लोकां नूं किते निराशा ना पल्ले पवे, असीं इहो जी कोई पूरा कॉन्फिडेंस लेना चाहुंदे आ जिहड़ी किसानां दी लीडरशिप आ। और दूजा नंबर एक, की इह कानून जिहड़े ने इह रद्द होणगे, जिहड़े नवें लागू होणे ने, बाकी भारत ते सारे ते इह किसान जथेबंदियां लागू करवाउणगियां जां सिर्फ ओह पंजाब वास्ते ही होणगे? इहनां सवालां दे कुछ जवाब जिहड़े मेरे मन च सीगे, मैं चाहुंदा कि तुसीं जे तुहाडे के पी सिंह जी होण जां किसी तरीके नाल भी इन्हां सवालां दे जवाब ले जाण ते बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच बिंदेशा जी, तुसीं कॉल करके दो बहुत ही अहम सवाल इस वेले साडे व्यूअर्स लई रखे। जदों गल आंदी है कि ऑन द ग्राउंड की हो रहा, साडी टीम, साडी इंडिया दी टीम इस चीज़ नूं दिन रात ना देखदे हुए कवरेज कर रही है। इसे सानूं हुण जॉइन कर रहा है साडे चंडीगढ़ स्टूडियो तों गगनदीप चौहान, जो कि थोड़ी जी सानूं ऑन द ग्राउंड अपडेट्स दे सकदे आ। गगनदीप जी, तुहानूं प्रोग्राम दे विच स्वागत, सति श्री अकाल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਾਂ।
जी थैंक यू सो मच वंस अगेन गगनदीप जी. जिस तरह तुहानू दस्या साडे सारे व्यूअर्स नू पता है कि इस वेले जो मेन डिवेलपमेंट्स हन ओ तुहाडे पासिओं आ रही हैं इत्थे यूनाइटेड स्टेट्स दे विच. तुसी कह लो टाइम करके आपां पिछे हाँ बट आपां बिल्कुल उड़ीक रहे हैं एक एक अपडेट नू. सो सब तो पहले तो ऑफकोर्स कुछ घंटिया च ही ये मीटिंग होन जा रही है बट उस तो पहले तुसी इस वेले पंजाब चो साड़ी दूजी टीम दिल्ली पहुँची हुई है. पंजाब च की माहौल डिवेलप हो रहा है की होर लोकी तैयारियां कर रहे हैं अपने काम की माहौल पंजाब च अज सवेरे डिवेलप हो रहा है. अश्मिता बिल्कुल ये ना फोर्थ गेट की मीटिंग जी हुई है उस तो बाद पंजवा गेट जो चलिया और पंजे गेट तक जी खास गल हैगी है कि जो कारवा हैगा वो लम्मा हों जा रहा है किसान का कारवा जोड़ा हैगा. एक कॉलर हमने शायरी जी है सुना रहे थे एक शायर ने लिखा सीगा मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर लोग आते ही गए और कारवा बढ़ता गया. सो यह कारवा जिहड़ा हैगा हुण उह जुड़दा जा रहा है इस जथेबंदियां शामिल हो रही ने वख-वख जथेबंदियां जिहड़ी पिंडां जाके जिथे जिहड़े पिंडां चों लोक हजे तक नहीं गए सीगे किसी भी वजह करके गुरपुरब मनाना सी गया शहीदी जोड़ मेल सीगा उस तो बाद भी लोग जाणगे. सो कंटीन्यूसली जिहड़ा हैगा लोग मूव कर रहे ने हौली हौली मूव जिहड़ा हैगा कर रहे ने उत्थे दिल्ली पहुँच रहे ने. हुण इह नहीं हैगा कि बहुत वड्डे वड्डे काफले ने पर एक एक दो दो करके भी जिहड़े जा रहे ने उह पहुँच रहे ने. लोगों नूं इह पता लगे कि हुण असीं जाणा है ते अपने हक की लड़ाई लड़नी है. सब तो वड्डी अवेयरनेस है. दूजा जिहड़ा अज दी मीटिंग हैगी है वह काफ़ी इंपोर्टेंट हैगी है. सेंटर गवर्नमेंट के पक्षों देखिए तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर लास्ट मीटिंग तो बाद कह के गए कि जी जी साड़ी नैक्सट मीटिंग होगी वह फैसला कौन होगी फाइनल मीटिंग लिए असं बैठा. किसान जिहड़े लीडर्स ने किसानों ने बड़ा क्लीयर कर दिता है कि जदों तक कानून रद्द नहीं होंगे उस तो घट सू कुछ चाहिए ही नहीं उस तो घटते किसी से गल होनी नहीं. कल भी यह गल जी है के पी के नाल भी जी गल हुई है सारे ओवरऑल लीडर्स की गल हुई है उस दे विच यही गल निकल के आई पर यह मीटिंग होगी. इस मीटिंग के जी खास गल हैगी है फोर्थ मीटिंग के जो चेंज आया सब तो वाला चेंज आया कि पहली तीन मीटिंग जी सेंटर गवर्नमेंट यह कह रही थी कि कानून बिल्कुल ठीक है तुम इन्हों समझ की कोशिश करो. फोर्थ मीटिंग दे विच किसानां ने सेंटर गवर्नमेंट नूं सारे कानूनां दे जिहड़ी खामियां सीगियां उह समझा दित्तियां और बहुत चंगे तरीके समझाईयां. रिटन भी जिहड़ा हैगा बकायदा डॉक्यूमेंटेड चीज़ां तैयार कीतियां ने. यह भी सवाल होया सीगा कि प्रेजेंटेशन जिहड़ी हैगी क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन दिखाती है उत्थे LED लगा के पूरा प्रेजेंटेशन PPT दे थ्रू दिखाती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होंदी है. उन्होंने पूछा गया कि तुसीं भी कोई प्रेजेंटेशन दिओ उन्होंने कहा कि असीं वर्बल प्रेजेंटेशन दित्ती है. वर्बल प्रेजेंटेशन दे विच कई सारे पॉइंट असी इंक्लूड किए हैं जेडे 8-9 नुकते जेडे उन्होंने कढ़े हुए सीगे उन्होंने कात्या दी गल होई है पर कुछ होर चीज़ा ऐड करके उन्होंने दसिया कि यह चीज़ा होनी चाहिए ने जेकर खामिया की गल आती है. नाल उन्होंने एक गल बड़ी क्लीयर की कि अमेंडमेंट उदों होंदी है जदों थोड़ी बहुत खामी हो जे किसी लॉ दे विच 100 चो 90% 80% ही खामियां हैगियां फिर उसनू टोटली थोनू मुड्डो रद्द करना पैंदा है. तो यह कानून जो है तिने कानून किसान जथेबंदियों का यह कहना है कि इन्हों मुड्डो ही रद्द किया जाए तो जाके जो है साड़ी गल जी. गगनदीप जी जो आम अंदोलन दे विच शामिल हुए हुए लोकी हन उन्होंने जिस तरह तुसी माहौल नू वेख रहे हो उत्थों अपडेट्स लै रहे हो साड़ी टीम मैंबरस तो वख-वख टीम मैंबरस तो उन्होंने विच ए अवेयरनेस हैगी कि जो लीडर्स गल कर रहे हैं उस चीज़ बारे उन्होंने जानकारी हैगी किस तरह ये चीज़ उन्होंने नाल शेयर की जा रही बिकॉज ऑफकोर्स सानू पता है कि ऑन द ग्राउंड वो सारी सहूलत नहीं हैगी जो सानू बैठे यू नो व्हेन यू एट होम तुहाडे कोल सर्टन प्रिवलेज होंगे हैं जो तुसी इस वेले जो साडे फ्रंट लाइन ते बैठे हुए किसान उन्होंने किस तरह ये चीज़ का दसिया जा रहा कि ये मीटिंग्स इस तरह वध रही हैं ते उन्होंने हौसला बुलंद रखना चाहिए. मैं दो गल्लां इत्थे अश्विनी करा. एक चीज़ हैगी है कि यह अंदोलन की खूबसूरती की है सब तो वड्डी सोहनी चीज़ की है इस अंदोलन. यह अंदोलन पंजाब तो शुरू होंदा है 2 महीने पंजाब दो तो वधेरे महीने तक जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच चलदा है 2-2.5 महीने पंजाब विच चलण तों बाद दिल्ली शिफ्ट उदों तक मन्ने जा रहे थे कि पंजाब दी जथेबंदियां जिहड़ियां ने ज़्यादा एग्रेसिवली इस नूं कर रही ने. राह विच हरियाणा भी इंकलूड होंदा है दिल्ली पहुंचदिया बाकी स्टेट तो जथेबंदियां आनियां शुरू हो जाए. हुण की है तकरीबन 40 जथेबंदियां लास्ट मीटिंग में शामिल हुई ने जिहड़ी फोर्थ मीटिंग हुई है उस तो पहला 31 जथेबंदियां होंदियां सी 30 जथेबंदियां होंदियां सी 10 जथेबंदियां जिहड़ियां ऐड हुई ने अक्रॉस इंडिया वख-वख स्टेट तो जिहड़े फार्मर लीडर आए सीगे वो शामिल हुए
ओडिशा तो भी फार्मर लीडर इतने पहुंचे ने, यूपी तो फार्मर लीडर पहुंचे ने, उत्तराखंड तो पहुंचे ने, राजस्थान तो पहुंचे ने। सो जिहड़े फार्मर लीडर उत्थे पहुंचे, महाराष्ट्र तो पहुंचे ने, मध्य प्रदेश तो पहुंचे ने, कई थां तो, क्योंकि दिल्ली कई थावां तो डिस्टेंस जिहड़ा हैगा ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ओडिशा तो 2000 किलोमीटर हैगा, तो वो फार्मर जत्थे लैके नहीं आ सकते, कोविड दी रिस्ट्रिक्शंस लगियां होईयां ने स्टेट्स दे विच। सो वो अपने लैवल ते पहुंचे, पर उन्हां दीआं जत्थेबंदियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਅਕਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਐਚ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਨਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਜੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਅਸਮੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ 6,000 ਜਾਂ 2,000 ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, 5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੱਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਹੈ,
पर सरकार दे नुमाइंदियां नूं इह चाहीदा जरूर है कि सानू एक्सप्लॉइट ना कीता जावे। जी जी थैंक यू। क्योंकि क्यों एक्सप्लॉइट ही है जेड़ा कि पैसे कारपोरेटरां नूं 5-5 crore 5-5 thousand crore रुपए दी देनी हैगी है मदद, और किसान नूं जेड़ा कि सब तों वधिया मतलब देश दा राखा है ओनू यह कुछ नहीं देके राजी। यही बार बार कहने हम आपको 5,000 दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं, ये कोई खास बात नहीं है जी। मैं इस चीज मैं अपने जेड़े साडे लोग हैं ये समझते हैं भी ये समा जेड़ा है यह मोदी साहब का, मोदी साहब एक डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। मैनू ये नहीं पता भी क्यों कर रहे हैं, उन्हें दिमाग दे विच के चीज फसी हुई है। उन्होंने जे इस बार 303 नुमाइंदे मिल गए तो यदा मतलब ये नहीं है कि असी पंजाब की या हिंदुस्तान की सारी जनता नू ज्यादा पता है तुसी इस चीज बारे। प्लीज किसान जथेबंदियां नू हौसला दियो कि असी पिछे हट रहे हैं, असी पिछे हट रहे हैं, असी अगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जेड़े दो मेजर सवाल सी इन्हां दा जवाब मोदी साहब ने नहीं दिता। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने या किसी ने मतलब अपने मैनीफेस्टो विच लिखिया, उन्होंने लिखिया है, उन्हां दी गलती हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। सर तुसी तां उसनू पूरा कर दिता है जदों के जट किसान हिंदुस्तान दा नहीं चाहुंदा। सो मैं ये चाहुंदा, मैं अपील भी करदा हां मोदी साहब नूं सर, तुसी सानू सानू अखीर नूं ये राज ने खत्म हो जाना है, तुसी प्लीज इन्ना धक्का किसानां दे नाल ना करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तुहाडी कॉल लई गगनदीप जी। साडे कोल समां ज्यादा नहीं रह गया, मैं जानदा ने तुहाडे तों सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पुछना चाहुंदी हां। कुछ इह रिपोर्टिंग आ रही है कि अगर कल जदों इन्हां दी एक्सक्यूज मी जदों तुहाडे अज इह मीटिंग जो होन जा रही है उहदे विच अगर सरकार ने ये साफ नहीं किया कि इन बिल्स नूं आपां अपील कर रहे हैं, इन कानूनां नूं आपां वापस लै रहे हैं, कि जो किसानां दी जथेबंदियां लीडर्स हन उन्हां ने वो मीटिंग नूं उत्थे छड के चल जाना है, इहदे विच कोई तुहानूं लगदा है कि इस तरह ही ये चीज़ प्ले आउट होएगी या कोई होर जरिया हैगा जिस तरह ये मीटिंग प्ले आउट हो सकती है? अश्मिता, एक गल बड़ी क्लीयर है कि इस वेले अपर हैंड जिहड़ा हैगा वो किसानां दा है, सरकार दबा दे विच है, एक क्लीयर कट दिखाई दे रहा है। खेतीबाड़ी मंत्री दे फेस एक्सप्रेशन जिहड़े सीगे फोर्थ मीटिंग तो बाद या थर्ड मीटिंग तो बाद वो क्लीयर कट दिख रहा है कि एक प्रेशर बिल्डअप बहुत वड्डे पद्धर ते होया है। सानू इह समझना होएगा कि एक गौरमेंट जिहड़ी है मनन लई तैयार नहीं हुंदी सीगी कि साडे किते होए विच कोई खामी है, वो ये मन रही है कि असीं कुछ गलत किया है तो असीं सुधार लैणे आ, ये बहुत वड्डी प्राप्ति हैगी। दूजी जिहड़ी गल हैगी वो सशोपंज हैगा, उससे हजे भी सशोपंज है। इवन असीं भी ये कह दईए कि क्लीयरली की होएगा, कल रात तक की यह गल हैगी है कि फार्मर लीडर जिहड़े सीगे उन्होंने क्लीयरली नहीं दस्सिया, हजे भी उन्होंने कहा कि उस मोमेंट ते असीं डिसाइड करांगे करना की, कल जो मीटिंग होएगी उदो डिसाइड करांगे कि करना की है जेकर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है। पर एक सुर दे विच जिहड़ी उन्होंने एक बड़ी क्लीयर गल कीती है कि सारे का सारा ओवरऑल जिहड़ी हैगी है मीटिंग उदों ही कारगर होगी जदों गवर्नमेंट यह मन लेगी कि असीं इन्हां कानूनां नूं वापस लै रहे हैं, इह सारे फार्मर लीडर्स ने कहा। सो यह अपने आप में एक प्लस पॉइंट हैगा। सो अज जिहड़ी मीटिंग होनी है उसके की कुछ होंगे और कितने तक जाती है यह अपने आप में काफ़ी इंपोर्टेंट। ज्वाइन कर रहे हो तुसी साडे चंडीगढ़ स्टूडियो तो थैंक यू सो मच। एक बार फिर साडी जो इंडिया टीम लगातार सानू अप टू डेट कवरेज ते इन्नी मेहनत दे नाल इस चीज़ नू फॉलो कर रही है, तुहाडा आपां बहुत सारे अप्रीशिएट करदे तुहाडे हार्डवर्क नू। स्टे सेफ, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ योर डे, ते सानू अपडेट्स तुसी लगातार सेंड करदे रहना। सत श्री अकाल। इत्थे सानू एक छोटी जी ब्रेक लई रुकना पै रहा है, तुहाडी कॉल्स ते होर गैस्ट तुहाडे नाल जोड़ांगे ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे का स्वागत, तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा। तो जिस तरह तुहानू दस रहे हैं लगातार साडा यही एक मुद्दा हैगा कि किसान जथेबंदियां नू जो उन्हां दी मंगा हैगियां जो काफ़ी आपां कह सकते हैं सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस वेले इन तीन बिल्लां नू तुसी वापस लियो, इंडिया सरकार नू ये वो कह रहे हैं। देखते हैं किस तरह सरकार इस चीज़ का जवाब दिंदी है। कुछ समय च ही मीटिंग होने जा रही है, कॉलर्स भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। सत श्री अकाल, तुसी ऑन एयर हो। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ,
मैं जेडे फार्मर्स डिमांड एजिटेशन चल रही है उहदे च कुछ कहना चाहुंदा भी जेडे बिल है ये तो नो डाउट इन्हां नूं बिलकुल सस्पेंड करना चाहिए इन्हां नूं रद्द करना चाहिए जी। इस तों अगे ये इन्ने गलत बनाए गए हैं कि जे इहनूं जे असीं थोड़ा जिहा ध्यान ना देखिए तो ये गौरमेंट नूं इन्हां दी लोड़ की पई इस टाइम से लोड़ इन्हां नूं इस करके पई है कि जिमीदार की जिहड़ी जमीन है इन्हां उहनूं ईजी टारगेट समझे। पहलां सिस्टमैटिकली सक्सैसिव इंडियन गौरमेंट्स ने जिहड़ी रूरल लोकां दी आबादी आ उन्हां नूं डिस्ट्रॉय किया इन्हें वे एजुकेशन नहीं पहुँचाई उत्थे हैल्थ नहीं पहुँचाई लोगों को कोई होर रिसोर्स नहीं दिते पिंडां च और वो लोग जिहड़े सीगे वो अनइंप्लॉयमेंट हो गए। हुण प्रेजेंट गौरमेंट का यह है सिस्टम इन्होंने अर्बनाइजेशन करनी है उत्थे लाउणी है लेबर चाहीदी है पिंडां नूं बेकार करो जमीन तो ही कट दो घर और इन्हों शहरां च लै जाओ। इस पॉलिसी नाल बहुत वड्डी डिस्टरबेंस कंट्री लैवल ते होण दा है ये बहुत सोची समझी नहीं है इहनूं दूजे तरीके भी किया जा सकदा जिहड़ा इंडिया का पहला सिस्टम बनिया सी उहदे च इन 60s जिहड़ियां अर्ली 5-year प्लान सीगियां कोऑपरेटिव पंचायत सिस्टम ब्लाक सिस्टम बनिया सीगा चाहीदा इहनां नूं इह सी कि जिथे रा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुंदा है उत्थे उहदे प्रोसैसिंग प्लांट्स लगन लोगों उत्थे जाब मिले और जिहड़ी उहनां दे प्रोड्यूस है उहदे विच वैल्यू एड करके वह जिहड़े प्रोडक्ट है वह वंडे जाण उहदे विच प्रॉफिट दे भाईवाल जिमीदार भी होण। हाँ गवर्नमेंट अपने GST लवे टैक्स लवे वह जावे हुण जिवें पंजाब दी ट्रबल यह है कि असीं किन्ना ज़्यादा फूड नो डाउट अज दूजिया स्टेट्स की भी कंट्रीब्यूशन है पर पंजाब की बहुत ज़्यादा रही है और उत्थों किन्ने प्रोडक्ट तो किन्ने जड़े लोग है उतों फायदा उठाते हैं उहदे हिसाब नाल साडे कंट्री नूं पिछों टैक्सां चों पैसे भी नहीं दिते जे असीं डिवेलप हो जाईए। साडे जड़े सोशल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम हैल्थ सिस्टम इकनॉमिक सिस्टम बिजनेस सिस्टम पंजाब दे सारे फेल हो चुके हैं स्पैशली फॉर द फार्मर्स। अरे अज हुण जिहड़ी इहदे विच इक होर चीज़ है कि वर्ल्ड डेटा यह कह रहा है कि फ्रॉम 2020 टू 2050 वर्ल्ड हैज टू प्रोड्यूस डबल द अमाउंट ऑफ फूड जी। हुण इहनां लोकां दी इहदे ते नज़र है कि जिहड़ियां चंगीयां फर्टाइल लैंड्स हैं जी सारे जी बिल्कुल दुनिया दी उन्हां नूं कंट्रोल करके उन्हां ते कब्जा कीता जाए जी बिल्कुल बिल्कुल। तुहाडी ए पॉइंट थैंक यू सो मच तुहाडी कॉल लई सर बट ए पॉइंट सब तो इंपॉर्टेंट है जदों आपां इस चीज़ नूं रिजॉल्व भी कर लैंदे हां सानूं इह जरूर सोचना चाहीदा है कि इह ना अगे होए उहनूं किस तरह रोकिया जा सकदा है ते उहदे लई की हुण कंडीशनज हन जिहदे करके इह चीज़ हो रही है। साडे नैक्सट गैसट सानूं जॉइन कर रहे कैलीफोर्निया तो साडे निर्मल मान जी जो कि कैलीफोर्निया दे विच फाइनैंस ते डैट दे तौर ते कम भी करदे हन एक्सपर्ट भी हन। निर्मल जी सब तो पहले मैं तुहानूं प्रोग्राम दे विच स्वागत करदी हां सति श्री अकाल। थैंक यू शिवेता थैंक यू वेरी मच सत श्री अकाल। निर्मल जी जदों इस अंदोलन की गल आती है कोई भी आप प्रोटेस्ट या इस तरह की सिविल अनरेस्ट वेखते हैं जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स के भी बहुत वड्डे लैवल से ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट इस साल प्रोटेस्टों वक् वक् थावां ते वेखन नूं मिली एक्शन ते सपोर्ट लोगों के कोल काफ़ी आप कह सकते हैं डिफरेंट तरीके होंगे किस तरह वो सपोर्ट कर सकते किसी कॉज नूं। एक तो होंगे तुसी जा के फिजिकली इन प्लेस प्रोटेस्ट करो अपनी आवाज़ उत्थे सुनाओ अपनी गिनती कराओ फिजिकली बट तुसी सानू अज दस सकते हो कि अगर जो साढ़े बैठे हुए यूर सिटिंग एट होम तुसी किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो इस मूवमेंट के नाल इहदे बारे तुहाडे कोल एक बहुत यूनीक ते इंटरेस्टिंग अप्रोच हैगी मैं चाहवांगी तुसी इहदे बारे सानू दसो। जी बिल्कुल आई थिंक जे आपां पुराने टाइम च वापस जाइए लेटली जाइए तो आपां नेल्सन मंडेला की गल करिए उस तो पिछे जाइए तो ईवन महात्मा गांधी की गल करिए कड़ा आ सहयोग अंदोलन चलिया ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई थिंक जेडे प्रोडक्ट्स जेड़ा भी बंदा इस टाइम किसानों के नाल नहीं खड़िया जिहड़ी भी कॉरपोरेशन यही कि दो जिहड़ियां मेन कंपनियां हैगियां ने दो तीन अंबानी अडानी उन्हां तो अलावा भी जिहड़ियां भी इस टाइम किसानों के हक च नहीं खड़ियां आ रही जिहड़ा बिजनेस जिहड़ा किसानों नूं सपोर्ट नहीं कर रहा सानू एज इंडिविजुअल उन्हां दे प्रोडक्ट्स नूं उस बिजनेस नूं बायकॉट करना शुरू करना चाहिए बिकॉज
ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੋਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਬੜੇ ਹੱਦ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਬਾਈਕਆਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਆਊਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ, ਦੋ ਟਵੀਟ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਨੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਗਰੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖਤੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਵਿਲ ਡੈਫਨਲੀ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ, ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਡੈਟ ਐਕਸਪਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਟੁਨਾਈਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜੱਟਾਂ ਕੋਲ ਹਾਫ ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲਸ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਹਾਫ ਮਿਲੀਅਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਧਰ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 170 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੁੰਦੇ 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 ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੈੱਸ ਦੈਨ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਾਹਮਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਨੀਡ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫੂਡ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਫੂਡ ਹੈ, ਫੂਡ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ 48 ਆਵਰਸ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ MP ਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੰਨੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਨਾ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਨੈਕਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10% ਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ 170 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ 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 ਬਾਈਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਨੌਲੇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਗੈਸਟ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁਣ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 95% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਈਗੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਾਲਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 seconds ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਜਾੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਥ ਦੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਰਹੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਮਲਾਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਊਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਕਮੈਂਟਸ ਰੱਖੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ
सब ठीक जिमी बरार साहब इंडियनैपलिस तो सानू ज्वाइन कर रहे साडे नवे टीम मेंबर जिमी जी तुहाडे कोल 30 सेकंड सन तुसी की कहना चाहंदे हो मैं पहले जस टीवी नु बधाई देना चाहना के उन्होंने जिहड़ा फार्मर दा जी सिलसिला उठाया बहुत वधिया आ बहुत वधिया लगा देख के जी के फार्मर नु आपां सपोर्ट करनी चाहुंदे आ क्योंकि फार्मर अपनी बैकबोन आ जिहनू आपां रीढ़ दी हड्डी कहिंदे आ जी ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਦੇ ਰੋਟ ਰੀਡ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਬੋਨ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ ਜਿਮੀ ਜੀ ਜਿਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਸ਼ਰਸ਼ਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹਣਾ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 11-2 दूसरी गल के जिहड़ा मैनूं जस पंजाबी ने जस टीवी ने चीफ ब्यूरो दा खिताब दिता मैं उहनूं फुल लवावांगा मैं चाहवांगा कि जिन्ने भी दर्शक देख रहे हो जरूर पहुंचण बिल्कुल थैंक यू सो मच जिमी बरार जी साडे टीम दे नवे मेंबर इंडियनैपलिस तो तुसी इन्हां दे नाल संपर्क कर सकते हो ते कल प्रोटेस्ट नूं जरूर अटेंड करो अगर तुसी उत्थे हैगे समा मेरे कोल नहीं ज़्यादा रह गया बट मैं जाने सिर्फ एक चीज़ कहना चाहनी हाँ ये चीज़ हुण हो रही है साडे किसानां दे नाल साडे बजुर्गां दे नाल जिथे साडी आपां कह सकते जड़ां हैगियां ये चीज़ हो रही है बट सानूं जरूर इत्थे सोच पानी चाहीदी है कि ये अगे ना होए हुण तां ये तीन बिल आपां लै के गल कर रहे हां ते ये शायद रिपील भी हो जाण बट इस तो बाद की होर साजिश हो सकती है भावें सरकार वालों कारपोरेशन वालों किसी भी वालों साड़ी जमीन नू साड़े हक नू लैन दी उस चीज़ नू किस तरह रोकिया जा सकता है एदे ते सानू सोच जरूर करनी चाहिए है एदे नाल ही मैं प्रोग्राम की समाप्ति कर दी है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड साड़ी टीम दे नाल तुसी जुड़े थैंक यू तुहाडा इस किसान मुद्दे नू आपां छड़ना नहीं है तो इत्थे ही साड़ा प्रोग्राम समाप्त जरूर हुंदा है बट तुसी सानू वेखदे रहो सत श्री अकाल